नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज कुलदीप जी से मिलवाने जा रहे हैं और जो इनके बहुत सारे अनुभव हैं प्रिपरेशन को लेके वो आपसे साझा करने वाले हैं। आज कैसे उन्होंने तैयारी की और एक साथ बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल है और रेलवे है, अन्य एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किए और आज फाइनली एसएससी सीएसएसएल में अपनी जॉब कर रहे हैं और इनकी पोस्टिंग सूरत गुजरात मैं भी है। अभी छुट्टी के दिनों में आए हुए थे अपने दोस्तों से मिलने और आप लोगों को मार्गदर्शन करने, तो इनसे हम आपको मिलवाते हैं। हेलो कुलदीप जी, तो आप थोड़ा बताएं बच्चों को कैसे क्या, बहुत सारे बच्चों की समस्याएं रहती हैं कि सर कैसे प्रिपरेशन करें, दिन में करें कि रात के करें, कब करें या बाहर रह के करें या बाहर निकल जाए मिनट से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि तैयारी करने के लिए कहीं बाहर देखना चाहिए, कहीं भी तैयारी कर सकते हैं जी। मैंने तो घर से ही की है और ऐसा कोई टाइमिंग नहीं रहता है कि कितने बजे करनी है, जब जब आपके पास टाइम हो या और इसमें मतलब कोई भी टाइम क्लियर नहीं होता है। जब तुम्हें 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, बस जितना भी पढ़ना है 100% देना है अपना, तो टाइम बनाओ, मतलब अपना टाइम टेबल बनाओ और उसी को फॉलो करें डेली बेस पे। कुल मिला के कुलदीप जी कहना चाह रहे हैं कि अपना बस एक टाइम टेबल बना ले, जो डेली रूटीन होता है वो डेली रूटीन का चार्ट होना चाहिए कि वो नहीं बिगड़ना चाहिए कि पता चला कि आज हमने 2 घंटे शाम को पढ़ा और कल रात के 2 घंटे पढ़ रहे हैं, भाई ऐसा नहीं। ये खाने का जैसे टाइम होता है कि रात आपको जब खाने का टाइम होता है उस टाइम भूख लगने लगती है, तो जब पढ़ाई का टाइम आए तब आपको भूख लगने लगी किसकी पढ़ाई की, तो रूटीन होना चाहिए कि रूटीन के तहत सारे काम होने चाहिए। और इनके साथ साथ में रूटीन के साथ साथ में इनका एक ग्रुप भी रहा जो इनके साथ, आज लड़के बहुत सारे इनके साथ प्रिपेयर कर रहे, तो सारे बच्चे सिलेक्ट हूँ आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। 16 लोग सिलेक्ट हैं, 19 में से 16 बच्चे सिलेक्ट हैं। तो एक जो ग्रुप होता है हमेशा ग्रुप एक अच्छे ग्रुप के साथ में काम करना चाहिए। आप क्लास के अंदर भी बैठ रहे तो ऐसे बच्चों के साथ काम करें या उनके साथ मेहनत करें जिससे आपको लाभ मिल रहा है। एक ग्रुप, एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा मार्गदर्शन आपको बहुत जल्द फाइनली सिलेक्शन की तरफ ले जा सकता है। और ये अपने कहीं बाहर से नहीं है, अपनी कोचिंग भी काफी दिनों पहले स्टडी कर रहे थे और भिंड में आरटीओ के जो बटालियन है वहाँ ये रहते हैं और प्रेजेंट में सूरत अभी काम कर रहे हैं। तो जब जॉब लगने के बाद जो ये घर वालों को खुशी मिलती है वो थोड़ा हमें बताएं कैसे, क्या आपके घर पे रहा जब आपको फाइनल सिलेक्शन होता है, तो खुशी तो सबसे पहले घर वालों को भी होती है और गुरु को भी होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और यही है कि सब सिचुएशन चेंज हो जाती है जो पहले थी और अब, और दूसरी एक नया जीवन हो जाता है। हाँ, एक प्रकार से चेंज हो जाती है लाइफ, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। तो अभी आप लोग जो मजाक में ले रहे हो एग्जाम को, भाई मजाक में ना लेते हो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अभी थोड़ा सा अपने आप पे काम कर लो। थोड़ा सा काम करने के बाद जो आगे के जो पल हैं ये शायद ही देखने लायक होंगे, कि हर कोई आपकी इज्जत करेगा। इज्जत तो बहुत मिलती है, इज्जत समाज में, परिवार में, हर जगह। तो नहीं, बस तैयारी करते रहो। और मैं पहले भी अभी सर से भी बोला है कि और स्टूडेंट से भी कि मॉक देना जरूरी है, जितना ज़्यादा मॉक दोगे प्रीवियस ईयर उतने ज़्यादा आप अच्छे बनते जाओगे और टेस्ट निकलने लगेंगे, पता भी नहीं चलेगा कब सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी पता नहीं चलेगा। उम्मीद तो 100% तो किसी को नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अचानक ही सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि अलग से देखो भाई कि सिलेक्शन होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, अचानक ही हो गए होंगे। जब एक हुआ तो एक से ज्यादा भी हो जाएंगे, ये तो आम बात है। मतलब एक बार पकड़ लो, एक बार सिलेक्शन तक आप पहुंचो तो सही, फिर तो आपको ये लगने लगेगा कि पेपर निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, इजी है। लेकिन वहां तक पहुंच जाओ, एक बार आपको मार्क समझ में आ जाएगा हमें किस मार्क पे कैसे पहुंचना है। सबसे पहले तो एक टारगेट गोल बनाओ कि हमें किस में जॉब लेनी है, फिर उसका सिलेबस देखो क्या है, पैटर्न है उसका, उसी बेस पे अपने गोल सेट करो कि कौन से सेक्शन वीक है, उस हिसाब से तैयारी करो, इंग्लिश वीक है या मैथ वीक है, उसको इस हिसाब से टाइम दो। और जो टाइम दो अपने डेली में 100% दो, ऐसा नहीं है कि आज आलस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आज नहीं पढ़ रहे कल पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। डेली पढ़ना है, कम पढ़ लोगे उस सेक्शन को थोड़ा मतलब पढ़ना है, रूटीन तोड़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आज वैकेंसी नहीं आई है और पढ़ाई बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लगातार पढ़ना है, 2 महीने बाद वैकेंसी आएगी तो आप प्रिपेयर रहोगे एग्जाम के लिए वहाँ। और फाइनली लास्ट पे जब पेपर होगा उसके 1 महीने पहले मॉक देना, ओनली मॉक, क्योंकि मॉक ही स्पीड बढ़ाता है और इम्प्रूवमेंट दिखाता है कि हाँ मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, वीक जोन क्या है, उन वीक जोन पे काम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा।
मतलब मॉक टेस्ट से आप कुल मिला के एक बात कहेंगे तो आपको अपनी काबिलियत का पता चलता है कि हाँ कहाँ से आपकी कमियां क्या है। अगर उन कमियों पे अपन काम करेंगे तो शायद सफलता जरूर मिलेगी। तो मॉक टेस्ट एक वो काम कर रहा है जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है एक तरीके से, कि मतलब आपको बता रहा है कि आपकी वीक पॉइंट कहाँ है, उन वीक पॉइंटों पर इजिली काम करो और आगे बढ़ जाओ। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है हमेशा से। जब भी कोई बैठता है, क्या आपने देखा होगा फाइनली जब भी अपनी कोचिंग पे कोई सिलेक्ट होके स्टूडेंट आता है तो एक ही बात बोलता है कि मॉक टेस्ट या प्रीवियस पेपर, ये लगाना बहुत जरूरी है, इनके बिना कुछ नहीं है। और यहाँ पे अपन देखते हैं बहुत सारे बच्चे टेस्ट से भागते हैं। टेस्ट से नहीं भागना है, टेस्ट तो जरूरी है, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ती है भाई, तब ये सिलेक्शन होते हैं। टेस्ट सीरीज से पता चलता है हमारी कमियां कहाँ है। भाई, ऑनलाइन मॉक तो देना मस्ट है, सिलेक्शन लेना है तो। थोड़ा सा आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी सी मेहनत आप समय रहते हुए करिए। एक बार आप कंपटीशन में आ गए हैं तो जब ही निकलना है जब कुछ पा लें, ऐसा नहीं कि कंपटीशन में आ जाए कल फिर बैठ गए। अगर एक बार आप किसी काम को पकड़ लिया तो उसको पूरा करके ही माने, पूर्णता सारी तैयारियों के साथ में अपने आने वाले जो भी आपके एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन करें। साथ साथ में कुलदीप जैसे और भी सारे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स हैं उनका मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा समय समय पे। तो बहुत अच्छा लगा कुलदीप जी आप जो कुछ कोचिंग पे आए आज सभी बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए, और आपकी आगे भविष्य के लिए कामना करते हैं कि आप और आगे जाएं। चालू है सर। हाँ, और तैयारी इनकी अभी बंद नहीं है कि एक एग्जाम ले लिया सोच रहा है कि तैयारी इनकी बंद है, कुछ नहीं है, अभी प्रिपरेशन इनकी बराबर चल रही है। तो धन्यवाद दोस्तों।